रिंग रोड के हवाले से क्या आपके पास अपडेट है कि इसका जो काम है दोबारा जल्दी शुरू हो जाएगा या फिर ये डिले में काफी चला गया? नहीं, तो क्या ये फायदे हैं या प्लॉट है? इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे तो उनको कितनी देर ये प्लॉट होल्ड करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए करें ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल जाए? आपका क्या ख्याल है? सट्टा तो नहीं चाहता? नहीं, सट्टा तो नहीं है, लेकिन दो महीने पहले कुछ सट्टेबाजी थोड़ी महसूस हुई थी प्राइस बढ़ने की वजह, ये भी है कि वहाँ बकायदा काम हो रहा है, तरह का भी काम हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन। फेज 8 एक्सटेंशन के एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमने बुलाया है डॉक्टर सिकंदर अली खान। ये 20 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, बहरिया टाउन से वाबस्ते हैं और बहुत इनकी जो राय है बहुत अहमियत रखती है बहरिया टाउन के हवाले से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। इससे पहले भी हमने इन्हें बुलाया था, तकरीबन 6 माह पहले इनकी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें इन्होंने फेज एक्सटेंशन के बारे में कहा था कि ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप परचेजिंग करते हैं। तो अब पिछले 5 से 6 माह के दौरान अगर हम देखें तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक प्राइस ऊपर गई है। तो आज हमने दोबारा बुलाया है कि अब इस वक्त जो फेज 8 एक्सटेंशन है उसके हवाले से डॉक्टर साहब का जो है वो मशवरा लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो 6-7 माह पहले हमारा आखिरी इंटरव्यू हुआ था तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका है। उस वक्त 5 मरले का प्लाट बहरिया गैस एक्सटेंशन में 12 लाख का था और 10 मरले का प्लाट 18 से 20 लाख का था। आज हम उससे मुवाजना करें तो 1 लाख रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। 5 मरले का प्लाट इस वक्त 18 लाख रुपए और 10 मरले का प्लाट 28 से 32 लाख तक का है। तो मुख्तलिफ सेक्टर में इसकी मुख्तलिफ बाजी से एक इस वक्त 28 लाख से प्लाट कम कोई भी नहीं है इस मिनट में। और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में इससे मजीद गुंजाइश है, इसके रेट मजीद बेहतर होंगे। तो अभी भी मौका है इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पर। लेकिन अक्सर लोगों का ख्याल है कि जो इसकी प्राइस बेहतर हुई है पिछले कुछ अर्सा में उसमें बहुत और भी फैक्टर होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो रिंग रोड का था। और रिंग रोड का जो स्कैंडल आया है उसके बाद लोगों का ख्याल है कि शायद प्राइस इतनी स्टेबल ना रहे, अगर स्टेबल भी रहे तो बेहतर नहीं होगी। तो क्या रिंग रोड के हवाले से क्या समझते हैं कि अगर रिंग रोड जो है उसका क्या जो फैक्टर है वो अभी भी काम करेगा प्राइस को बेहतर करने में? बस तो क्या रिंग रोड का इसमें कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था, क्योंकि रिंग रोड ने पहले भी यहीं से निकलना था, अभी भी यहीं से निकलना है। जो मुख्तलिफ रिंग रोड जो बनाए थे उन पर जरूर मनफी असर पड़े, उनके रेट बहुत बढ़े थे। तो अब वो रिंग रोड वाला सिलसिला खत्म हो गया, रिंग रोड वाला अब जो असल जगह है वहीं से शुरू होना है। तो बहरिया उसमें उस वक्त भी शामिल था, बहरिया उसमें अभी भी शामिल है। अच्छा, लेकिन रिंग रोड के हवाले से क्या आपके पास अपडेट है कि इसका जो काम है दोबारा जल्दी शुरू हो जाएगा या फिर ये डिले में काफी चला गया? नहीं, अगस्त में उम्मीद है कि इसका काम फिर से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर है जग ज्यादा ना हो, थोड़ा ही हो, लेकिन असरअंदाज तो होगा बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के ऊपर। इसकी एक वजह यह भी है ना कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी प्लाट हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो ये अभी भी कीमत मुनासिब है, कीमत कम है, तो लोग तरजीह देते हैं बहरिया टाउन को। लेकिन सर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये फायदे हैं और लोग डरते हैं, सवाल करते हैं कि यह फायदे लेनी चाहिए या नहीं, तो क्या ये फायदे हैं या प्लॉट है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये फाइलों सब निकल आया है क्योंकि अब काफ़ी जगह तैयार हो चुकी है, गलियाँ तैयार हैं, कुछ प्लाट भी तैयार हैं, वहाँ मौके पर जाके हम गलियों में प्लाट देख सकते हैं। तो एक खबर ये भी है कि हम करीब परिसर 6 और 1 का कब्जा मिलेगा और परिसर 3 के अंदर भी बड़े तेजी से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी ये फाइलों के हस्ते निकलता जा रहा है, अब प्लाट की सूरत में आ रहा है। लेकिन अभी भी जो है जब आप प्लॉट लेते हैं वहाँ पे तो प्लॉट नंबर, स्ट्रीम नंबर, प्रीसेंट नंबर सारा कुछ बहरिया आपको देते हैं और साथ ही अलॉटमेंट लेटर भी बहरिया इसका आपको देते हैं। तो वो फाइल तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अभी ये कह लेंगे सेमी प्लॉट है अभी, लेकिन प्लॉट होने की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर किसी भी सेक्टर का बहरिया ने पोजेशन दे दिया तो उससे तो काफी ज्यादा प्राइस की बेहतरी आ जाएगी। सर ऐसे ये जब भी किसी जगह कब्जा मिलने लगता है तो कीमतें उसकी बढ़ जाती हैं। अब आर्टर के बहरिया आर्टर के अंदर उसकी कीमतें भी कोई 15 लाख का 5 मरले का प्लाट मिलता था, लेकिन आज वो भी 25-26 लाख रुपए का है। 10 मरले का प्लाट जो हमारा आखिरी इंटरव्यू हुआ था 6-7 महीने पहले उस वक्त 30-32 लाख का था, आज वो 50 लाख को क्रॉस कर चुका है। क्योंकि इसकी वजह ये कि वहाँ कुछ गलियाँ तैयार हो गई हैं और कुछ जगह का कब्जा भी ले लिया है और 2-3 प्लाट रुपये कमेरा भी शुरू हो गई है।
तो जैसे ही कब्जा मिलता है तो ज़ाहिर है लोगों का यकीन पक्का हो जाता है और लोग पूर्वित हो जाते हैं कि अब हमें कब्जा मिलेगा, हम भी अपना घर बनाएंगे। लेकिन प्राइस दूसरा भी एक ये है कि प्राइस अगर पिछले 5-6 माह में 5 से 10 लाख रुपया बेहतर हुई है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि प्राइस अब आगे नहीं इतनी जल्दी बढ़ेगी क्योंकि प्राइस काफ़ी बेहतर हो गई है, तो जो नए लोग इन्वेस्टमेंट अभी करेंगे तो उनको कितनी देर ये प्लॉट होल्ड करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए करें ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिल जाए? अब मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा इंतजार उसमें करना होगा, क्योंकि शुरू में जो बेहतरी आई थी बड़ी तेज़ी से आई थी, तो रेट अभी भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं लेकिन वो स्पीड नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो बहुत गुजरेगा इसमें इजाफा ही होना है, अब रेट कम नहीं आते। और इस वक्त भी हम मुआवजा करें पिंडी इस्लामाबाद से तो सबसे कम कीमत बनाट है, तो अभी भी यहाँ इन्वेस्टमेंट बनती है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि प्राइस इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा साइन है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सट्टा नहीं चल रहा बल्कि जो एंड यूजर है वो इसको ले रहे हैं और इसको होल्ड भी करेगा। तो अगर उसने होल्ड कर लिया और फौरी सेलिंग में ना आया तो यकीनन प्राइस ना सिर्फ स्टेबल होगी बल्कि प्राइस बेहतर भी होगी। तो आपका क्या ख्याल है, सट्टा तो नहीं चल रहा? नहीं, सट्टा तो नहीं है, लेकिन 2 महीने पहले कुछ सट्टेबाजी थोड़ी महसूस हुई थी, उसके 5 से 6 लाख रुपया इजाफा हुआ था 10 दिन के अंदर, तो वहाँ पे लोगों ने एक्स्ट्रा खरीदारी की थी, तो नजर तो यही आ रहा था कि वो एक्स्ट्रा खरीदारी जो है वो मार्केट को नुकसान पहुँचाएगी। अब एक्स्ट्रा खरीदारी की वजह से मार्केट टूटी है, 30 लाख का जो प्लाट था वो 26 लाख रुपए का आ गया था, लेकिन उस दौर से पहले वापस ये प्लाट निकल चुके हैं। अब रेट मजीद बेहतरी की तरफ है, तो 4 लाख का जो रेट गिरा था वो उसने अपनी जगह वापस ले ली है। अब जो भी खरीदारी हो रही है वो 11 रुपये नहीं हो रही, वो ट्रांसफर हो रही है। तो इस वक्त क्या प्राइस चल रही है मार्केट में इसके, 5 मरला 8 मरला 10 मरला? 5 मरले का प्लाट 18 लाख से कम नहीं है इस वक्त, ठीक है, और 10 मरले का जो प्लाट है कम से कम 28.5 लाख रुपए का है, वो भी आईडियन, इसमें दो कैटेगरी चलती है आईडियन आईटी, और आईटी का प्लाट 29.5 लाख से कम कोई भी नहीं है, और जो प्रेशर 1 और 6 है उसके प्राइस ज्यादा है, वो 32 से 34 लाख रुपए उसकी कीमत है। और जो कनाल की सूरत है, कनाल का रेट जब भी थोड़ी तेजी आई थी वहाँ 60 लाख रुपये तक बिका है, लेकिन 54-55 लाख रुपये उसकी कीमत है। मेरा ख्याल है कनाल की सेलिंग भी बहुत ही कम आती है, जो प्लॉट भी कम है और सेलिंग भी इतनी ज्यादा। अब कनाल के प्लाट एक ही ब्लॉक में कृष्ण थ्री के अंदर है, इसके अलावा वो किसी भी ब्लॉक में नहीं है, तो प्लाट इतनी ज्यादा नहीं है, वो मिलता भी बहुत मुश्किल से, अगर घूमते जाए तो अगर उसकी कीमत गिरने का चांस किसी के भी नहीं है, पूरे बेरिया के अंदर जितने भी ब्लॉक हैं सब में थोड़ा थोड़ा इजाफा हो रहा है, 6 महीने और अभी में तकरीबन 60% बढ़ चुकी है। कुछ लोगों का ख्याल कर सकते मैप कहीं बैठ या रिवाइज ना कर दे, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि अगर किसी ने, जैसे आप कह रहे हैं प्रीसेंट 6 में 32-34 लाख का प्लॉट है और वहाँ पे किसी जगह पे फेज एट एक्सटेंशन में 29-30 का भी मिल जाता है, जो 4-5 लाख का जो फर्क है एक बंदा दे रहा है लोकेशन के लिए, कल को अगर उसकी लोकेशन ही चेंज हो गई तो आज जिसने 5-6 लाख रुपया ज्यादा दिया तो वो तो नुकसान में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसका परिसर चेंज नहीं किया जाएगा, अगर कोई तकलीफ थोड़ी बहुत हुई भी, अगर किसी ने परिसर 6 में लिया है उसको परिसर 6 में आगे पीछे करेंगे ना, दूसरे बस परिसर 6 का तो मौका पे तैयार प्लाट, तो मैं समझता हूँ उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कीमतें बहरहाल यही रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, डेवलपमेंट भी वहाँ पे कुछ हो रही है या सिर्फ प्राइस के ऊपर ही है कि प्राइस बढ़ रही है तो डेवलपमेंट भी कुछ चल रही है? नहीं, ऐसे नहीं, प्राइस बढ़ने की वजह ये भी है कि वहाँ बकायदा काम हो रहा है, तरक्की के काम हो रहे हैं, जो गलियाँ कुछ अर्से पहले तैयार नहीं थी आज वो तैयार हैं, तैयार वो काम हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, इन्वेस्टर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ काम बड़ी तेजी से हो रहा है इसमें। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया कि आप दोबारा तशरीफ लाए और फेज एट एक्सटेंशन के बारे में अपनी राय दी। आपको याद होगा कि हमने उस वीडियो में DHA वैली के हवाले से भी आपसे काफी ज्यादा दिया था और आपका अंदाजा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी भी जो प्लाट 20 लाख का था आज वो प्लाट 40 लाख पूरी तरह से और जो आखिरी ब्लाट के प्लाट थे वो उस माइनस में थे 1 लाख से 1.5 लाख माइनस। तो उस वक्त मैंने लोगों को ये मशवरा कर दिया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी बनती है, तो प्लाट तो शायद ना मिले आपको इसका, लेकिन इसके बदले कोई ना कोई अच्छी मिल जाएगी, इसमें ट्रेडिंग करें, आज वो प्लाट 1.5-2 लाख प्रॉफिट में वो प्लाट भी है। इसके ऊपर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब दोबारा आपको बुलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर पूरा हम प्रोग्राम करेंगे। DHA वैली के ऊपर भी जैसे पहले पूरा एक प्रोग्राम किया था कि इस वक्त DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किन लोगों को पोजेशन मिल रहा है, किन लोगों को नहीं मिल रहा पोजेशन, किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, तो इस हवाले से और प्राइस इस वक्त क्या चल रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है इसके ऊपर हम करेंगे जी। कि अगला जो सेशन हम डॉक्टर साहब के साथ करने जा रहे हैं वो DHA वैली के हवाले से है।
तो कोई भी आप के जहन में इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप अभी कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल डाल दीजिए ताकि उसका जवाब हम डॉक्टर साहब से लें। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का जो दिया हुआ जवाब होगा इंशाल्लाह तारा परफेक्ट होगा और आपको इससे फ़ायदा होगा। आपका शुक्रिया कि आपने वीडियो देखी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।